गुजरात उपकूल में बात्यार लैंडफॉल प्रक्रिया आरंभ। जखाऊ में स्थलभाग छुईब सामुद्रिक झड़ विपर्यय। घंटा प्रति 125 किलोमीटर वेगरे बहुची पवन। विपर्ययर विपर्यय मुकाबला सजाग सरकार। तीव्र वेगरे पवन सांग को तुहा वर्षा। अशांत आरब सागर। गुजरात उपकूल में समुद्र में उठुवा विशालकाय लहड़ी सूचित करुछि बात्यार भयावहता। आरंभ हो सारी गुजरात उपकूल में सामुद्रिक झड़ विपर्ययर लैंडफॉल प्रक्रिया। कच्छ जखाउ निकट में स्थलभाग छुईवा नहीं पूर्वर कही सारी भारतीय पाणिपाग विभाग। लैंडफॉल बेले घंटा प्रति 125 किलोमीटर वेगरे बहिपे पवन। स्थल विशेष पवन रेग 140 किलोमीटर पर्यंत भी रहीपे भारतीय पाणिपाग विभाग महानिर्देशक। जखाउ से लगभग 70 किलोमीटर दूरी पे दक्षिण पश्चिम दिशा पे केंद्रीभूत है, धीरे उत्तर पर गति कर रहे। इसके प्रभाव में जो वाल क्लाउड है अभी एंटर कर रहे हैं, प्रवेश कर रहा है सौराष्ट्र कच्छ के डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। हैवी रेनफॉल जारी है। विंड स्पीड 60 to 80 किलोमीटर पर आवर चल रहा है। सेंट्रिक पास विंड स्पीड 115 to 125 किलोमीटर पर आवर है। लैंडफॉल प्रोसेस अभी शुरू हो गया है। ये लैंडफॉल प्रोसेस बातेरा प्रभाव केवल गुजरात में सीमित रहिबो नाही। गुजरात समेत 9 राज्य और केन्द्रशासित अंचल को आलर्ट जारी करा जाई। सेगुड़ी कहला गुजरात, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव और दादर नगर हवेली। गुजरात 7 जिले में विपर्ययर सर्वाधिक प्रभाव देखा मिले। सेगुड़ी है कच्छ, द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, मोरबी, राजकोट और जूनागढ़। ए जिलागुड़िकर कच्चा घरगुड़िक क्षतिग्रस्त होगा, बड़ बड़ गछ उपुड़ी पड़ा आशंका रही। समुद्रकूलिया अंचल में बसवास करुवा प्राय 1 लक्ष लोकं सुरक्षित स्थान को स्थानातर कर उद्धार और बात्या मुकाबला कार्यर तदारख निजे मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल कंट्रोल रूम रे रही करुं। गुजरात गृहमंत्री हर्ष सांघवी प्रभावित अंचल बोली उद्धार कार्य तदारख कर। आज चक्रवात कभी भी लैंड हो सकता है और लैंडिंग के समय पर ये हवा और भी तेज हो सकती है, हवा के साथ साथ बारिश भी आ सकती है। उसको मद्देनज़र रखते हुए आज पूरे जिला प्रशासन द्वारा सभी जगहों पे अलग अलग टीम बना के राउंड्स भी चालू है और कामगिरी भी एकदम ग्राउंड लेवल पे चालू है। देखिए अभी जो 0 to 5 और 5 to 10 किलोमीटर्स के बीच का जो हमारे विलेजेस हैं और जो लो लाइंग विलेजेस हैं जहाँ पर पानी बरसने के बाद जल का भराव हो जाता है, उन्हीं के लोगों को ला करके हमने ट्राई किया है कि हम उनको शिफ्ट करके शेल्टर हाउसेस में रखें जहाँ पर वो सेफ रहें। कम्युनिकेशन इक्विपमेंट होती है कि मोबाइल फोन कवरेज अगर खत्म हो जाएगा तो फिर भी हम अपनी टीम से संपर्क में रहें, स्थिति की जानकारी लेते रहें। इसके साथ साथ जो कोई बिल्डिंग कोलैप्स कर जाए तो कोलैप्स स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू की जो हमारे पास इक्विपमेंट है, गिरी हुई बिल्डिंग में घुस के लोगों को जीवित निकालना है, उसकी हम तैयारी रखते हैं। फिर जो सड़कें वगैरह बंद हो जाती हैं पेड़ों के पोल्स के गिरने से, वहां इनको काट के ऑब्स्टिकल्स दूर करके कैसे नॉर्मल जनजीवन शुरू करना है जल्द से जल्द, उसकी तैयारी के साथ भी हम जाते हैं। गुजरात ऊपर को माड़ी आसुवा यह महाविपद मुकाबला केंद्र सरकार समस्त प्रकार सहायता जोगाई देखते। एनडीआरएफ समेत भारतीय स्थल सेना, नौसेना और वायुसेना उद्धार कार्य मुतयन होती। सर्वाधिक प्रभावित 7 जिले में 18 एनडीआरएफ और 12 एसडीआरएफ टीम मुतयन कर। इंडियन आर्मी ने 27 से अधिक रिलीफ कॉलम्स पूरे गुजरात में जैसे भुज, जामनगर, गांधीधाम, धरंगद्रा के साथ साथ नलिया, द्वारका और मांडवी जैसे फॉरवर्ड लोकेशंस पर भी तैनात किया है। इन जगहों पर इंजीनियर्स और मेडिकल टीम्स भी तैयार रखे गए हैं। आर्मी ने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एनडीआरएफ के साथ संयुक्त रूप से राहत कार्यों की योजना बनाई है। विपर्यय द्वारा घटना विपर्यय को जिते दूर सीमित रखा जाई पारिब सेने उभय केंद्र गुजरात सरकार समस्त प्रयास जारी रखिछंती। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।